स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ। क्या सब्जेक्ट है हमारा? मैथ। और हम एनकेजी का सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बिग एंड स्मॉल के बारे में, बिग एंड स्मॉल, है ना। तो देखो, जैसे टीचर्स आर बिग, स्टूडेंट आर स्मॉल, है ना। और जैसे ये बुक है ना, इसमें एलिफेंट क्या होता है? बड़ा होता है। और दो क्या होता है? छोटा होता है ना। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो आप, एंड एलिफेंट इज बिग, एंड एलिफेंट इज बिग, एंड एलिफेंट इज बिग। सबको पता है एलिफेंट बड़ा होता है, पता है ना सबको, है ना। तो इसमें क्या है? एंड एलिफेंट इज बिग, ए डॉग इज स्मॉल, ए डॉग इज स्मॉल, ए डॉग इज स्मॉल, ए डॉग इज स्मॉल, एंड एलिफेंट इज बिग, ए डॉग इज स्मॉल, एंड एलिफेंट इज बिग, ए डॉग इज स्मॉल। फिर है माय फादर्स हैंड्स आर बिग, माय फादर्स हैंड्स आर बिग, माय फादर्स हैंड्स आर बिग, है ना। माय हैंड्स आर स्मॉल, है ना। आपके पापा के हाथ आपसे बड़े होते हैं ना, है ना, है ना। तो और आपके स्मॉल छोटे होते हैं, क्योंकि आप छोटे हो, है ना। तो क्या है इसमें? माय फादर्स हैंड्स आर बिग, माय हैंड्स आर स्मॉल, माय फादर्स हैंड्स आर बिग, माय हैंड्स आर स्मॉल, ओके। फिर है थर्ड वाला, ए सिप इज बिग, ए सिप इज बिग, है ना। सिप होता है काफ़ी बड़ा होता है ना, लेकिन ए या इज ए स्मॉल, वो क्या होता है? छोटा होता है। ए जिराफ इज बिग, ए जिराफ इज बिग। फिर ए डंकी इज स्मॉल, जिराफ को सबने देखा है ना, जिराफ कितना लंबा होता है ना, लेकिन डंकी क्या होता है? छोटा होता है ना। फिर से पढ़ेंगे, देखो, एन एलिफेंट इज बिग, ए डॉग इज स्मॉल, एन एलिफेंट इज बिग,